पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आजकल शादियों का सीजन पूरी आबोताब के साथ जारी रखे हुए है। हारिस, शान मसूद और शादाब खान के बाद अब फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो चुके हैं, जिस पर सोशल मीडिया पर मद्दाह दिलचस्प जुमलों का तबादला कर रहे हैं। कुछ सार्फिन ने कहा है कि चारों क्रिकेटर्स को वर्ल्ड कप जीत कर दुल्हनों को तोहफे में देना चाहिए। पाकिस्तान के मायनास फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की मुल्की कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अनशा से शादी की बातें तो एक तवील अरसे से जारी थीं, मगर अब बिलाखिर इस जोड़े की शादी हो चुकी है। इतवार को इसका ऐलान शाहिद अफरीदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किया, जहां उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी बेटी शाहीन शाह अफरीदी के निकाह में दे दी है, दोनों को मुबारकबाद। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से जोड़े को मुबारकबाद दी जाती रही। शाहिद अफरीदी ने इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी शिरकत की दावत दी थी, तहम वो मसरूफियात के बायस इसमें शरीक नहीं हुए। शाहिद अफरीदी ने वजीर आजम का तहनियती खत भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से भी शाहीन शाह अफरीदी को निकाह की मुबारकबाद दी गई। कुछ सोशल मीडिया सार्फीन इस मौके पर हंसी मजाक करते हुए भी नजर आए, तो कुछ को शाहीन शाह अफरीदी का अपनी अहलिया को पेशानी पर बोसा देना खूब भाया। महम गिलानी ने लिखा कि पहले हारिस राउफ, फिर शान मसूद, फिर शादाब खान का निकाह और अब शाहीन शाह अफरीदी, हर कोई वर्ल्ड कप से पहले बंधन में जुड़ रहा है। अब आप सब ने अपनी बीवियों को तोहफे में वर्ल्ड कप ट्रॉफी देनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स सहाफी हिमांशु पारेख ने लिखा कि शाहीन शाह अफरीदी की भी शादी हो गई, शान और शादाब के क्लब में खुश आमदीद, अगली बारी बाबर की। शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी ने इस तकरीब में ली गई चंद तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। ताहम उनकी अपनी अहलिया के साथ कुर्सी पर बैठे हुए एक तस्वीर भी किसी ने सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जो पलक झपकते में ही वायरल हो गई। शाहीन शाह अफरीदी इस तस्वीर के वायरल होने पर अफसरदा नजर आए और उन्होंने ट्विटर पर भी इस हवाले से लिखा, उन्होंने लिखा, मायूसकुन बात है कि कई मर्तबा कहने के बावजूद हमारी राजदारी मुतासर की गई और लोग नदामत महसूस किए बगैर इसे आगे शेयर करते गए। शाहीन शाह अफरीदी ने मजीद लिखा कि वो एक मर्तबा फिर हर किसी से दरख्वास्त करेंगे कि उनसे राब्ताकारी की कोशिश करें और उनका यादगार दिन खराब ना करें। साइमा नामी सारिफ ने लिखा कि ये तस्वीर शेयर करना लोगों की जानिब से बहुत गिरी हुई हरकत है। उन्होंने लिखा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भले ही वो एक अवामी शख्सियत हैं, मगर उनके खास दिन पर उनकी प्राइवेसी मुतासिर करने का हक किसी को नहीं। फारूक अहमद ने लिखा कि न जाने अब शादियों में सबके सामने बोसा लेना क्यों जरूरी हो गया है। एक और सारिफ ने इस मामले पर बज़ाहिर खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि मोहब्बत का अवामी इजहार अपलोड करने पर उन्हें अफरीदी खानदान पर बहुत प्यार आ गया है। ट्यूलिप नामी एक सारिफ ने लिखा कि मुबारक हो शाहीन साहब, इस डिजिटल दौर में आप कैमरों की आँख से बच कर नहीं निकल सकते, सो जो हुआ उसे जाने दें और अपनी जिंदगी के नए बाप का आगाज करें। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।